नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग के अंदर वर्णमाला परीक्षण अपना एक महत्वपूर्ण यूनिट है जो चल रहा था। आपको ध्यान होगा, पिछली बार अपन ने वर्णमाला को सीखा और वर्णमाला पर आधारित जो क्रम वाले सवाल होते हैं वो किए। उसके पश्चात जो मेरा पिछला व्याख्यान था उसमें अपन ने शब्दकोश पर आधारित सवाल किए। मैंने जैसा कि आपको कहा कि शब्दकोश के सवाल सामान्यतया सरल होते हैं परंतु वो गलती करवा देते हैं, तो जो ट्रिक अपन ने सीखी, जो तरीका अपन ने सीखा, उसको आप वहाँ पे अप्लाई करें तो निश्चित रूप से कभी आपको बाद में अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मेरा एक सरल प्रश्न गलत हो गया। उसी वर्णमाला परीक्षण को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ और एक नई प्रकार के सवाल, दो तरह के सवाल आज अपन इसमें करेंगे और दोनों तरह के सवाल को करने का तरीका एक ही है। और उसकी मैं जल्दी से शुरुआत करता हूँ बिना आपका समय व्यतीत किए। एक सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस तरह के सवालों में क्या होता है कि अपने को एक शब्द दे रखा है, जैसे यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट दे रखा है, सुपरिंटेंडेंट एक वर्ड दे रखा है और ये कहा गया है कि इनमें से ये चार जो ऑप्शन है, चार जो विकल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो इस शब्द के, इसमें जितने भी शब्द हैं उनके अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। शायद आप मेरी बात ठीक से समझ गए होंगे, प्रश्न को समझना जरूरी है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, यह शब्द दे रखा है, उसके बाद चार विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प चुनना है, एक ऐसा शब्द है जिसे दिए गए शब्द मतलब सुपरिंटेंडेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक प्रश्न इस तरीके का आता है, दूसरी तरह का प्रश्न होता है कि जो बनाया जा सकता। फिलहाल अपन जो प्रैक्टिस करेंगे वो इसमें से ऐसे ऑप्शन को ढूंढेंगे, ऐसे विकल्प को ढूंढेंगे जो इससे नहीं बनाया जा सकता। ये भी जनरली ये सरल सवाल है, पर इसमें भी गलतियां ना हो, हम किन बातों का ख्याल रखें कि इस तरह के सवाल हमसे गलत ना हो जाए। तो देखिए, एक बात का ध्यान रखना, इन चारों में से वही शब्द नहीं बनाया जा सकेगा जिसमें से कोई भी अक्षर इसमें मौजूद नहीं हो। वैसे कई बार अपन एक निगाह मारते हैं उसमें पता पड़ जाता है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप पहले ऑप्शन से सिस्टमेटिकली चलें ताकि किसी प्रकार की गलती न हो और 100% आपका यह प्रश्न सही हो जाए। देखो, मैं इसको एक बार लिख देता हूं ताकि आपको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा सकूं। SUPERINTENDENT मेरी बात को ध्यान से देखना, एक शब्द हमें दिया है सुपरिंटेंडेंट, एक शब्द है सुपरिंटेंडेंट, हमें कहा है कि इन विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसमें से दिए गए अक्षरों से नहीं बन सकता, तो वही ऑप्शन होगा जिसमें कोई भी अक्षर ऐसा हो जो इसमें मौजूद नहीं हो। तो देखो, मैं इसको चेक करता हूँ, ये लिखा है PERTENENT। देखो, तो आप क्या करें ऐसे सवालों में कि आप पेंसिल से प्रश्न के, भाई मैं जैसा कि पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था कि वहीं पर अपन को हल करना है, पीछे पेपर इधर उधर काम नहीं करना है, वहीं का वहीं काम करें। कैसे करें? PER, तो ये PER मौजूद है, PER, चाहो तो आप इस पर डॉट लगा दें, चाहो तो आप इससे छोटा सा राइट लगा दें, PERTINTIN मौजूद है इसके अंदर, TINTINENT, ये ENT लास्ट में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो इससे बन जाता है, मेरी बात समझ गए, ये जो शब्द है ये इस सुपरिंटेंडेंट के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये इससे बन सकता है। अब मैं अगले को टेस्ट करता हूँ, अगले वाले के लिए क्या है, देखो TEN, तो कहाँ लिखा है TEN, अब ऊपर तो आपने राइट पहले ऑप्शन के लिए किया है, अब नीचे राइट करो, तो देखो TEN, तो TEN, ओके ENT, तो ENT, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इससे बन सकता है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, 10-10 सेकेंड, आपको 10 सेकेंड भी मैं समझता हूँ ज़्यादा है, हर एक विकल्प पे अपन को 10-10 सेकेंड देने, अगर हमारा आंसर पहले ही आ गया तो अपन को आगे ले जाना ही नहीं। जैसे अब चलते हैं, रिटेंशन लिखा है REN, देखो ढूंढो आप REN का, ये रहा, तो इसके लिए मैं नया टिक करता हूँ ऊपर, ये टिक तो मैंने पहले ऑप्शन के लिए किया था, ये वाले टिक मैंने दूसरे ऑप्शन के लिए किया है, अब मैं तीसरे, तो देखो रिटेंशन RE, तो RE मौजूद है, RETEN
टी ई एन मौजूद है, देखना टी आई ओ एन, टी आई यहाँ है, ओ नहीं है, टी आई ओ एन। ये ओ जो है, ये ओ हमारे इस शब्द के अंदर मौजूद नहीं है। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। मामूली सी बात है, हमें उस विकल्प को ढूंढना है जो इससे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, बाकी सब बन जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर। आंसर जो है, आंसर वो हमारा ऑप्शन सी होगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न हमारे लिए ये है कि आपको एक शब्द दिया है और शब्द दिया है सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके आपके आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वो विकल्प बताओ जो इस शब्द से नहीं बन सकता। अब कौन सा नहीं बन सकता, वही नहीं बन सकता जिसका कोई भी अक्षर इसमें मौजूद नहीं हो। तो जब मैं इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक करने के लिए ऊपर चिन्ह लगा दो, दूसरे वालों को चेक करने के लिए नीचे चिन्ह लगा दो, तीसरे ऑप्शन को चेक करने के लिए वापस ऊपर लगा दो, चौथा ऑप्शन भी अगर चेक करने की जरूरत पड़ जाए तो नीचे लगा देना, बस इतना सा काम इसमें करना है। मैं चाहूँगा कि आप इसको भी ना लिखें, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अपने यहीं पर अपन ये काम कर सकते हैं ऐसे ऐसे टिक करके। अगर आप अभ्यास करोगे तो वहीं पर आपका काम हो जाएगा। तो आप शायद मेरी बात समझ गए हो, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। जल्दी से अपन चलते हैं, सबने उतार लिया होगा मेरे हिसाब से ये भाषा, एक बार उतार लीजिए, उसके बाद में बार बार आपको नहीं, सारा सवाल इसी प्रैक्टिस इसी तरह के पैटर्न पर चलेगी। आप तो ये शब्द आप उतार लो सुपरिंटेंडेंट, और उसके बाद ये चार ऑप्शन आपके पे, एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। पहले ऑप्शन को, दूसरे ऑप्शन को, तीसरे ऑप्शन को, चौथे ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, और फिर कई बार एक निगाह में भी आंसर आ जाता है, जैसे इसमें वो दिख रहा है या वो है ही नहीं, तो हो सकता है कि कई बार अपन एक शॉट में एक निगाह में भी राइट कर जाएं। लेकिन अगर अपन जल्दबाजी ना करें, शांति से करने की ज़रूरत है, और एक एक ऑप्शन को आप चेक करोगे तो मुश्किल से 10, 20, 15 सेकंड, 25 सेकंड में इस काम को आप कर लेंगे। इसी तरह का सवाल, सवाल नंबर टू, देखिए एक शब्द है जिसको मैं थोड़ा आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, एस सी एच डबल ओ एल एम ए एस और टी ई आर, एक शब्द है जिसको अपन कह रहे हैं स्कूल मास्टर, ठीक है। हमें यह कहा है कि इन चारों में से वो विकल्प बनाओ जो इनसे नहीं बन सकता। भाषा वही है, पिछले वाले प्रश्न की भाषा है। आप जो लिखें वो एक बार लिख दें, उसके बाद सिर्फ ये वाले शब्द लिखें, और ऑप्शन जरूर लिखने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन के अंदर से, अब सबसे पहले एस टी ए आर स्टार, क्या स्टार इससे बन सकता है, तो देखो एस है, टी है, ए है, आर है, स्टार, स्टार में जो जो भी अक्षर हैं वो इसमें मौजूद है, इसका मतलब स्टार इससे बन सकता है, ध्यान रखना स्टार इससे बन सकता है। अपन आगे बढ़ते हैं, होम एच ओ एम ई, देखो अब नीचे टिक करो इसको, एच ओ एम ई, ये भी इससे बन सकता है, फाइन। आगे बढ़ो, सी एच ओ एल ए आर ए, देखना अब मैं ऊपर टिक कर रहा हूं तो सी एच ओ, ध्यान से देखना, एल ए आर ए, एल ए आर, और एक ए की और जरूरत है, ओनली वन ए इज देयर, केवल एक ही ए है, ध्यान से देखो, और यहां पर आपको एक नहीं दो ए की जरूरत है, ए दो चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो शब्द है इसको हमें राइट करना पड़ेगा क्योंकि ये वो शब्द है जो इससे नहीं बन सकता, अपन को इसके लिए दो ए की जरूरत है, यहां पर आपके पास एक ही ए मौजूद है। इस तरह से प्रश्न संख्या दो का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखिए, स्कूल मास्टर एक शब्द दिया, हमसे ये पूछा कि इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इससे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो अपन ने स्टार को चेक किया, एस अपन यहां पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस प्रश्न को, प्रश्न के पास में बड़े बड़े साइज में हम अक्षरों को लिखे लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे काम कर सकते हो, कैसे, एस टी ए आर बन रहा है, आप दिखाई नहीं दे तो अपन ऐसे कर सकते हैं, एस टी ए आर स्टार बन रहा है, होम एच ओ एम ई बन रहा है, सी एच ओ, तो अब मैं इसके लिए ऊपर एक अलग टिक करता हूँ, थोड़ा ऊपर करना क्योंकि लाइन बहुत सारे राइट हो जाएंगे, सी एच ओ एल ए आर, और अटक गए अपन, ये नहीं है,
जब ये इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, इसी पैटर्न का अगला सवाल देखिए आप, प्रश्न संख्या 3, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 3 पे अपन चल रहे हैं, वही प्रश्न, लैंग्वेज वही है, बस वही है कि आप नहीं बना सकते। ऐसा कौन सा विकल्प है जो इससे नहीं बन सकता? यूनिवर्सिटी एक शब्द दिया है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी। ध्यान से देखिए, यूनिवर्सिटी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, हमें ढूंढना है। सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा जो है वो नेवर है, NEVER। देखो क्या इसमें नेवर है क्या? देखो NEVER, एक ई और चाहिए, नेवर में एक ई और चाहिए। ध्यान देना, NEVER में एक ऑप्शन और चाहिए, है ही नहीं। इसका मतलब पहले ऑप्शन ही अपना आंसर हो गया, बात ही खत्म। अपन को यहां पर एक ई और चाहिए और यहां पर एक ही है, दो ई चाहिए, नेवर के लिए दो ई चाहिए। इसका मतलब आगे अपने को जाना ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये वो शब्द है जो यूनिवर्सिटी से नहीं बन सकता, और साफ दिखता है कि यहां पर दो बार ई है जबकि यहां पर एक बार ई है, बस बात खत्म, आगे बढ़िए। अगला सवाल, इसी पैटर्न पे अगला सवाल, ध्यान से देखिए, एक और सवाल, एक और प्रश्न आपके लिए। प्रश्न मेरा वही है, उसी का अपन अभ्यास कर रहे हैं। पहले अपन नहीं, जो नहीं बन सकते उसका अभ्यास करेंगे, फिर जो बन सकते हैं उसका अपन अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखिए, एक शब्द लिखा है नेचुरलाइजेशन। वापस मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए यहाँ कर देता हूँ नेचुरलाइजेशन। ध्यान से देखिए, यह आपके पास में एक शब्द है नेचुरलाइजेशन। ध्यान से देखना, अब हमें यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अपन इससे नहीं बना सकते। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टर्न, TURN। क्या टर्न बन सकता है? तो देखो, टी है, यू है, आर है और एन भी है। एन इधर भी था, एन उधर भी, कोई सा भी, एक एन, दो, एक एन चाहिए, अपने पास दो एन पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो राइट है, ये तो बन सकता है ना, ये हमारा सही आंसर, हमें वो देना है जो नहीं बन सकता। आगे बढ़िए, नेशन, ध्यान से, नेशन के लिए नीचे टिक कर दो, ने टी आई ओ एन, नेशन। ध्यान से देखिए, NATITION, नेशन, ये भी बनता। आगे चलो नेचुरल, ध्यान से देखो, नेचुरल गलती नहीं होनी चाहिए, नेचुरल ऊपर, थोड़ा ऊपर टिक करो, नेचुरल। ध्यान से देखो, नेचुरल, NATUR, नेचुरल तो अपना यही बन गया, यस। इसका मतलब ये भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, रूरल, ध्यान से देखना, मैं नीचे टिक करूंगा, रू आ है, आर यू, अब एक आर और चाहिए, इस पूरे के अंदर केवल एक आर है, एक आर, और जबकि अपने को यहां पर कितने आर चाहिए? दो। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रूरल जो है वो शब्द नेचुरलाइजेशन में दिए गए अक्षरों से नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें दो आर चाहिए जबकि इस पूरे के अंदर केवल एक आर मौजूद है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान से करिए, बहुत सरल सवाल है, बस गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, एक और दे रखा है, इस पर आप और देखिए, INFER IOR ITY, सब जाने ध्यान देना, INFER IOR ITY, इन्फेरियरिटी। हमारे को ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे नहीं बन सकता। एक आधा मिनट दे रहा हूँ, आधा मिनट, जल्दी से करिए फटाफट। जल्दी करिए, ये चार ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन को देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन को मैं चेक करता हूं, TER, ये रहा, T कहाँ है, ये रहा, T
टी ई आर, ओके, टी ई आर आई और टी, एक टी और चाहिए, पहला ही हमारे लिए आंसर हो गया। ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर आपको दो टी चाहिए, दो, और जबकि इस शब्द के अंदर आप ध्यान से देखो केवल एक टी मौजूद है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो गया। ध्यान से देखिए, सरल सवाल है, कोई गलती की कोई संभावना होनी नहीं चाहिए। अपन को उस विकल्प को ढूंढना है जो इसमें दिए गए अक्षरों से नहीं बन सकता, वो ही नहीं बन सकता जो इसमें मौजूद नहीं है। इसमें दो बार टी चाहिए, हमें दो टी चाहिए, जबकि हमें जो शब्द दिया है, मैंने यहाँ लिखा है, उसके अंदर अपने को एक ही टी दे रखा है। ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ रही है, प्रश्न संख्या 6। एक और आपके सामने प्रश्न है, आधा मिनट है, जल्दी करिए। रेम्यूनरेशन दे रखा है और इसके साथ में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, नंबर है, राशन है और मेंशन है, नेशन है। देखिए, कोशिश करिए फटाफट। आर ई एम यू एन ई आर ए टी आई ओ एन। ध्यान से देखिए, एक शब्द दिया है, बढ़िया सा बड़ा सा है, रेम्यूनरेशन एक शब्द है, और कौन सा नहीं, सब मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले देखो, एन यू एम बी आर नंबर ढूंढो, एन है, यू है, एन यू एम, बी कहाँ है, बी इज नॉट देयर, इसमें बी है ही नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो गया, क्योंकि ये वो शब्द है जो इससे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें हमें बी की ज़रूरत है और इसमें बी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको तो ऑप्शन चेक करने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, गलती की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक निगाह में सबको देखने से बेटर है एक एक ऑप्शन को चेक किया जाए। ये ध्यान रखिए कि इस तरह के सवाल कई बार अपना टाइम जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अपन चाहते हैं कि एक झटके में इसको एक बार देख के कर लें, कई बार नहीं होता है। इसलिए अपन को पहले ऑप्शन से शुरू करना है, पहले ऑप्शन के लिए ऊपर टिक कर दो, दूसरे ऑप्शन के लिए नीचे टिक कर दो, तीसरे ऑप्शन के लिए फिर ऊपर टिक कर दो, चौथे ऑप्शन के लिए नीचे टिक कर दो। कहीं कहीं पहले दूसरे तीसरे में आंसर होगा तो अपना काम 10-15 सेकंड में हो जाएगा, चौथे ऑप्शन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार, और पड़ जाएगी तो भी कोई बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं होगा। देख, पहला ऑप्शन तो ये 5 सेकंड में आपका काम हो गया, अपन आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एन यू यहीं पर आप टिक कर सकते हो, एन यू एम, बी नहीं है, बात खत्म, पहला ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7, ध्यान से देखिए, एक और शब्द दिया है मैंने और वो है रोटेशनल। मैं आपको दिखाई दे, इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं, आपके पास ये शब्द है रोटेशनल, और एक एक को आप चेक करो, आधे आधे मिनट में आपका काम होना चाहिए कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं बन सकता, याद रखो, कौन सा शब्द नहीं बन सकता। थर्टी सेकेंड्स, टी ओ टी एल टोटल, आर ओ टी ए टी रोटेट, आर ए टी आई ओ एन और नॉट, एन ओ टी नॉट। चलिए शुरुआत करते हैं, आपने उम्मीदें कर लिया होगा। देखो, सबसे पहले टोटल, तो ये रहा टी ओ टी ए एन, बात खत्म, चेक कर लिया, कॉन्फिडेंस हो गया, पहला तो आंसर नहीं हो सकता। रोटेट, अब नीचे टिक करना, रोटेट, ध्यान से देखो, रोटेट में गाड़ी अटक चुकी है, आर ओ टी ए टी, ध्यान से देखो, ई कहाँ है, टी ए टी तक पहुंच गए, ये ई जो है
हमारे इस रोटेशनल के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है मेरी बात। तो इस पैटर्न को आपने पकड़ लिया होगा, इस पैटर्न को आपने समझ गए होंगे, और इस पैटर्न पर जो भी सवाल हैं वो आप कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे। शांति से करने की ज़रूरत है, योजनाबद्ध तरीके से अपने को चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, होचपोच नहीं होना है। आप तो बिल्कुल शांति से पहले दूसरे इसमें हर एक ऑप्शन को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन की जांच करनी पड़ेगी। इसलिए पहले ऑप्शन को करो, दूसरे को करो, तीसरे को करो। आप पहले दूसरे तीसरे में कई बार आंसर आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी समय जाएगा तो चौथे ऑप्शन तक आएगा। आपको पता पड़ गया है कि रोटेट जो है ROTATE इससे नहीं बन सकता, तो आप इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। इन दोनों ऑप्शन को जांचने की जरूरत नहीं है। चलिए, 7 प्रश्न हो गए, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। इस बार मैं प्रश्न में मामूली सा बदलाव कर रहा हूं, पैटर्न वही है पर एक अलग तरह का सवाल है। इसमें मैंने कहा है कि ऐसे विकल्प को चुनना है जो बनाया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले अपन कौन से शब्दों का, कौन से विकल्प को ढूंढ रहे थे जो नहीं बनाया जा सकता, अब अपन कौन से विकल्प को ढूंढेंगे जो बनाया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे और एक बनेगा। तो जो बनेगा उसको ढूंढना है, जो बनेगा उसको अपने को ढूंढना है कि कौन सा इसमें से बन जाएगा। स्टार्ट करें। चलिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाई दे स्पष्टता से, उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ RE रिक्रूटमेंट है, तो RECRUIT रिक्रूट, और MENT ध्यान से देखिए, ये एक है RECRUIT MENT, ये आइए ध्यान रख लेना, ध्यान से देखिए, शांति से इसको करिए। अब हमें ऐसे को ढूंढना है जो बनाया जा सकता, इसका मतलब इसमें से 4 में से 3 विकल्प ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। जैसे मैं फर्स्ट देखता हूँ सीमेंटेड, थोड़ी निगाह मारो तो आपको लगता है कि यार 1, 2, 3 ई चाहिए, यहाँ पर अपने पास 1 और 2 ही ई है, 2 ही ई है, इसमें 3 है। एक निगाह में अपन को पता पड़ जाए कि ये तो नहीं बन सकता, ये बन ही नहीं सकता। इसके अंदर भी ध्यान दो, इसके अंदर भी 1, 2, 3 ई है, ये भी नहीं बन सकता। एक अगर आप चाहो तो इस तरह से देख सकते हो, आप चाहो कि नहीं मैं इस तरह से नहीं देखूं तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए सीमेंटेड, तो सी सी है, सी ई एम ई एम ई एन टी, अब एक ई की और जरूरत है और नहीं डी है, एक ई और चाहिए और एक डी, ये तो है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, वो नहीं बन सकता। चलो आगे चलते हैं। रिटायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिख रहा है इसमें 1, 2, 3 बार ई चाहिए जबकि यहां पर ई कितने हैं, 2 हैं, तो अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसल। अब आगे बढ़ो, देखो यूनाइट, क्या यूनाइट इससे बन सकता है, तो आप देखो यू एन आई टी और ई, यू एन आई टी, यू एन आई टी ई, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथे पे आप ट्राई करो ही मत, आपको पता पड़ गया कि ये जो यूनाइट है वो इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब यूनाइट बन सकता है। अब अपन कौन से विकल्प को ढूंढ रहे हैं जो बन सके, इससे पहले जो प्रश्न करवाए उसमें किसको ढूंढ रहे थे जो नहीं बन सकता है, अब अपन ने देखा कि ये इससे बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़े, इस पैटर्न पर, ये जो मैंने आपको प्रश्न दिया है इस पैटर्न को थोड़ा अपन और मजबूत करते हैं। प्रश्न संख्या 9, सब लोग ध्यान देना, 9वां प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखो। कौन सा ऐसा विकल्प है जो बन सकता है, आपके पास प्रश्न है, मैं आपके यहां लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। पॉलिटिसाइजेशन, TION, ध्यान से देखना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को तो पेंसिल से पेपर के अंदर ही यह काम हो जाएगा। जैसे पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स इससे बन सकता है,
ये देखने की जरूरत है। तो पी ओ एल आई टी आई सी एस नहीं है, एस इज नॉट देयर, ये एस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। अपन को जो बन सकता है उसका चुनाव करना है। तो पहला नहीं आ गया हो, नेशन, नेशन नीचे टिक कर देना, एन लास्ट में, एन एन बन सक, एन ए टी आई ओ, ध्यान से देखिए, एक एन की और जरूरत है, एक एन की और जरूरत है, ध्यान से देखो। और यहां पर आपके पास एक एन काम में आ चुका है, आपको दो एन की जरूरत है, एक तो यहां एन था नहीं, एक एन था, तो ये आगे वाला एन तो ये रहा, और एक और एन की जरूरत है, एक और एन इसमें नहीं है, इसका मतलब नेशन को भी हम नहीं बना सकते। आगे बढ़े, आगे एक्शन, एक्शन देखो, ए ये रहा, टिक कर लीजिए, ए सी टी, या बल्कि यही हो रहा है टी आई ओ एन, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, यही जो ए सी टी आई ओ एन एक्शन, पीछे टी आई ओ एन मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे बन सकता है। चौथे ऑप्शन के लिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से देखिए, हम उस विकल्प को चुन रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, हम उस विकल्प को चुन रहे हैं जो इस दिए गए शब्द के अक्षरों से बन सकता है। इससे पहले अपन ने उस विकल्प को ढूंढा था जो नहीं बन सकता, अब जो बन सकता है तो बन सकता है, एक्शन बन सकता है ना, तो ये नहीं बन पा रहा है क्योंकि एस नहीं है इसमें, ये इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि इसमें दो एन चाहिए, हमारे पास एक ही एन मौजूद है। और जब हमने तीसरे को देखा तो तीसरा चूंकि बन रहा है तो उस पर टिक करो, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा आंसर आ चुका है तो अननेसेसरी हम अपना समय वेस्ट न करें और हम जो है उस पर टिक करें और आगे बढ़ जाएं। एक और प्रश्न जल्दी करिए, एक और प्रश्न, आई एम पी आर ओ वी आई ए टी आई ओ एन, ध्यान से देखिए, आधा मिनट जल्दी करिए, कौन सा बन सकता है उस पर टिक करना है। चलिए पहले विकल्प को मैं चेक करता हूं, प्रोविजन, प्रो पी आर ओ, ध्यान से देखें, पी आर ओ वी आई और टी आई ओ एन, पहला ऑप्शन ही राइट। जब पहला ऑप्शन अपने को कंफर्म हो गया कि भाई पहला बन सकता है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हेडेक करने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन पे टिक करो और अपना काम समाप्त है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल तसल्ली से आराम से आप करिए तो बहुत जल्दी से ये काम हो जाएगा। इसको एक निगाह में करने की कोशिश मत करिए, इसको एक बाई वन बाई वन, एक एक ऑप्शन को अपने को तसल्ली से चेक करना है तो अपन आगे दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, इसको ध्यान से देखना है और इसमें ढूंढना है कि इससे बन सकता है कि नहीं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 आपके लिए, सभी लोग ध्यान दें, ऑथराइजेशंस एक शब्द दिया है मैंने, ए यू टी एच ओ आर आई एस ए टी आई ओ एन, एस भी लिखा है, ऑथराइजेशंस एस भी है, ठीक बात है। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ये ठीक से दिखाई दे, वरना आप पेंसिल से इस यहीं पर अपने काम को कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप जल्दी से करो इसको, ऐसा विकल्प ढूंढो जो इससे अपन बना सकते हैं। चलिए कर लिया होगा,
अपन मैं इसको एक एक को आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले लिखा है नेशनलिस्टिक। वैसे एक बार में आपको कई बार दिख रहा हो कि यार यहाँ सी आ रहा है, सी तो इसमें है ही नहीं, दिख रहा है ना, इसमें सी आ रहा है, सी तो इसमें है ही नहीं। फिर भी अगर आप नहीं जज कर पाए हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना काम करो। देखो सबसे पहले नेशनल लिखा है, नेशनल, तो आपको इसमें एन ढूंढना है। ये रहा एन, एन ए टी आई ओ, एक एन की और जरूरत है, एक एन के बाद दूसरा एन है, यहां पर तो एक ही एन है। ये विकल्प नहीं बनाया जा सकता, दूसरे विकल्प को भी अपन को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर भी आप ध्यान से देखो दो बार एन है, यहां पर है ही नहीं, एक ही एन है, एक ही एन है, जबकि इसमें दो एन की जरूरत है, ये भी नहीं बन सकता। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सिचुएशन, एस, इसको टिक कर देते हैं ऊपर, एस आई टी, भले इधर कर लो, यू ए और टी आई ओ एन, ध्यान से देखिए, ये वो ऑप्शन है जिसका हर एक अक्षर यहां पर मौजूद है। अगर इसका हर एक अक्षर यहां मौजूद है, इसका मतलब ये जो है वो इससे बनाया जा सकता है। और हमें का ही यही है, हमें ये कहा है कि वो कौन सा विकल्प है जो इससे बनाया जा सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपन ने रिजेक्ट कर दिए थे। ये वो ऑप्शन है जो जिसके सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके सारे के सारे जो अक्षर हैं वो हमारे इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए हमें सी को बिल्कुल सही कर देना। ठीक बात है, किसी को तकलीफ तो नहीं है। आगे चौथे ऑप्शन को जांचने की जरूरत ही नहीं, जब हमारा आंसर आ गया हम कंफर्म, इसीलिए तो हम कर रहे हैं, कंफर्म करने की जरूरत है। पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन को टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, और उस परीक्षण में आपको पता पड़ गया कि ये सिचुएशन जो है वो इससे बन सक रहा है, जो बन सकता है उस पर टिक करना है, तो चूंकि ये बन सकता है इसलिए इसको टिक करो और आगे बढ़ो, इसको हमें वापस नीचे, इसको अननेसेसरी इसको देखने की जरूरत नहीं। प्रश्न संख्या 12 जल्दी से करना है, 30 सेकंड दूंगा और उसमें इसको करना है। प्रश्न संख्या 12, एक और शब्द मेरा वही है, ध्यान से देखो, ऑथराइजेशंस, ए यू टी एच ओ आर आई एस ए टी आई ओ एन एस, ध्यान से देखो वही शब्द है, आपको देखना है कि ऐसा कौन सा है जो बनाया जा सकता है, जो बना सकते हैं। जल्दी से करिए, 30 सेकेंड। आर आई एस टी ओ आर ई ए यू टी एच ओ आर ई एस एन ए टी आई ओ एन टी यू टी ओ आर एस, कौन सा ऐसा विकल्प है जो इससे बनाया जा सकता है? चलिए करें स्टार्ट, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें रिस्टोर, आर आई एस टी ओ आर ई, क्या ये इससे बनता है? तो देखो बनने के लिए क्या जरूरी है कि इसका हर एक अक्षर इसमें मौजूद हो, ध्यान देना, आर आई एस, ठीक है, आर आई एस टी ओ, एक आर और चाहिए और ई भी चाहिए, ना तो इसमें आर है और ना ही इसमें ई है, एक आर ही है, एक आर आगे काम में आ चुका है, एक आर और चाहिए, नहीं है इसमें, इसका मतलब ये वाला विकल्प नहीं बनाया जा सकता, कैंसल, पहला विकल्प अपन नहीं बना। आगे बढ़िए, ऑथर्स ए यू टी एच, देखो ध्यान देना, अब नीचे टिक करो, ए यू टी एच ओ आर, ई नहीं है, ई नहीं है, ध्यान से, ई का है, ई, एस तो है पर ई नहीं है, नहीं है, ई कहीं नहीं है, चूंकि ई नहीं है इसका मतलब ये विकल्प भी हमारा सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम इसको भी नहीं बना सकते। चलिए आगे बढ़िए, आगे नेशन, एन ए टी आई ओ एन, चेक करो, अब ऊपर टिक कर दो,
ये काम आपको प्रश्न में ही करना है, अननेसेसरी ये जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा नहीं करना है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप पेंसिल से वहीं पे कर देना। नेशन, ध्यान से देखो, ने एन तीसरा विकल्प है, तीसरे के लिए नीचे एन एन, ए एर, टी आई ओ, एक एन और चाहिए, एक एन की और सख्त जरूरत है। इसका मतलब हुआ ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी नहीं बनाया जा सकता। ये जो विकल्प है तीसरा नेशन, वो नेशन इससे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे को कितने एन की जरूरत है? दो एन की। इसमें कितने एन है? केवल एक एन। ध्यान से देखो, केवल एक एन। जब हमारे पास एन एक ही है और इसमें दो एन चाहिए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनाया। अब चलते हैं आखिरी पे, और उम्मीद है कि ये राइट होना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो अब चलते हैं आगे, ट्यूटर्स, टी यू टी ओ आर एस, आगे देखो, टी ये रहा, ऊपर टिक कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो, टी यू टी ओ आर और एस, सब मौजूद है। ध्यान से देखो, टी यू टी ओ आर एस, इसका मतलब ये हुआ ये वो विकल्प है जो हमें जो शब्द दिया है उससे बनाया जा सकता है। ध्यान देना, हम उस विकल्प की तलाश में हैं, हम उस विकल्प को ढूंढ रहे हैं जो हमें इस दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, जिसको अपन बना सकते हैं। शुरुआत में जो मैंने 6-7 सवालों का अभ्यास कराया था, उसमें हम उन विकल्प को ढूंढ रहे थे जो नहीं बना सकते, अब अपन उस विकल्प को ढूंढ रहे हैं जो बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पकड़ लिया होगा, इस तरीके को। तो ध्यान से करने की जरूरत है, सरल सवाल है। अगला सवाल फिर आपके समक्ष, ध्यान से देखो, जल्दी करिए, आधा मिनट। कौन सा बनाया जा सकता है? ध्यान देना, बनाया जा सकता है ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन। ध्यान देखो, ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन, ओरिएंटेशन। ध्यान से देखिए, जल्दी करिए, कौन सा बनाया जा सकता है? ठीक है, पेंसिल लीजिए, शब्द आपके पास है। सबसे पहले देखो, ऑर्नामेंट, ओ आर एन ए एम ई एन टी। तो देखो, ओ बिंदु लगा दो, राइट कर दो, और ना, एम तो है ही नहीं, एम इसमें कहाँ है? एम इसमें नहीं है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो गलत। ऑर्नामेंट जो है वो हमारे इस दिए गए जो शब्द है जिसको ओरिएंटेशन लिखा है, ये वाला, इससे नहीं बन, इसको मैंने यहाँ वापस लिख दिया आपके लिए, तो नहीं बन सकता। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, टी ई आर आई एन, ध्यान से देखो, जल्दी चेक करो फटाफट, चलिए, टी ई आर कहाँ है? टी ई आर आई एन, फिर ए और टी आई ओ एन। ध्यान से देखिए, इसके जितने भी अक्षर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप चाहो फिर चेक कर लो, टी ई आर, टी एरा टी है, ई है आर है, टी ई आर आई है, एन है, ठीक है, फिर ए है और टी आई ओ एन लास्ट में मौजूद है, ये टे। तो इसका मतलब ये इससे बन सकता है, और जब वो बन सकता है तो हमारे को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम क्यों जाएं उनकी तरफ, जब हमें आंसर मिल चुका है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको, मेरी बात को शायद समझ लिया होगा। एक प्रश्न और देता हूँ मैं आगे, ध्यान से देखिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक शब्द आपको दिया गया है और ऐसा विकल्प ढूंढना है जो बनाया जा सकता,
ऐसा विकल्प ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता। बस दो पैटर्न है इसके अंदर और दोनों में किसी प्रकार की त्रुटि होनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। एक और प्रश्न मैं दे रहा हूँ आपके सामने, क्लासिफिकेशन। देखिए जल्दी से, ये कोशिश करो कि आप लोग स्वयं करें ताकि आपका अभ्यास हो जाए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जल्दी से ढूंढो, ऐसा कौन सा है जो इससे बन जाता है। जल्दी से देखो, ध्यान से देखिए। हाँ, करें, स्टार्ट करें। FICTION, FICTION, एक बार फिर आपका पहला विकल्प सही हो गया। जब अपना पहला विकल्प सही हो गया तो अन्य विकल्पों पर जाने की जरूरत नहीं है और अपन पहले पे क्या कर सकते हैं, टिक करिए। यही जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई तकलीफ किसी को नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सब लोग ध्यान से देखें, इन चीज़ों को समझें। रीजनिंग के अंदर सबसे मूल बात ये होती है कि अपने दिमाग को ठंडा रख के शांत चित्त तरीके से केंद्रित होकर उस काम को किया जाए। रीजनिंग में आप जानते हैं कई वैरायटी होती है, हर नई पैटर्न पे नए नए सवाल आते रहते हैं और हर नया सवाल जो है अपने लिए चुनौती न बन जाए, अपने लिए समस्या नहीं बन जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो स्टडी हो वो थोड़ी थोरो हो, थोड़ी गहरी हो। हम लोग वर्णमाला परीक्षण पे काम कर रहे हैं, वर्णमाला परीक्षण, और हमने वर्णमाला परीक्षण पे कोशिश की है कि अलग अलग प्रकार के सवालों को टच किया जाए और टच करके उनको समझ लिया जाए। सवाल मैंने जैसा कि आपको कहा कि कोई लोग ज़्यादा समय दे करके सही कर देते हैं, कोई लोग समय बचाने के चक्कर में गलती कर देते हैं, तो हमें समय भी बचाना है और गलती की कोई संभावना नहीं रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम योजनाबद्ध तरीके से उस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। प्रश्न को अटेम्प्ट करने समय हमें, हमारे मन में ये प्लानिंग होनी चाहिए कि इस प्रश्न को मैं कैसे हल करूँगा। मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था कि शब्दकोश पर आधारित सवालों के लिए क्या ट्रिक अपनाई जाए। अभी अपन ने शुरू के कुछ सवाल किए, उसमें अपन ने ये बात करी कि कौन से नहीं बन सकते उसमें क्या करें, और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कौन से बन सकते हैं। इस तरह से आप जो है इस वर्णमाला के इस तरह के सवालों को शायद आप अपने आप में समझ पाए होंगे। अगली बार अपन जब मिलेंगे तो मैं एक और महत्वपूर्ण जो टाइप है इसकी, वर्णमाला परीक्षण की, और बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, और हम उस काम को कैसे निपट लें प्लानिंग से, कि हम कैसे उस काम को करें कि हम वो जल्दी से उस सवाल को निपटा दें। तो अगली बार मित्रों अपन फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, और वो आखिरी तरह के सवाल मैं आपको वर्णमाला परीक्षण में और लेके आऊँगा। उसके बाद में अपन कोडिंग डिकोडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आप जानते हो कोडिंग डिकोडिंग के लिए वर्णमाला पे पूरी आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि ए से लेकर के जेड तक के समस्त अल्फ़ाबेट्स को आप अच्छे से याद कर लें, उनके स्थानों को याद कर लें, ताकि कोई झंझट नहीं पड़े। कल अगली क्लास में मैं आपके लिए वर्णमाला परीक्षण के अलग टाइप के सवाल लेके आऊँगा, और बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।